गुडवर्क किया गया है लखनऊ क्राइम ब्रांच द्वारा, और SPRA के अंतर्गत जो S30 टीम है लखनऊ क्राइम ब्रांच की, उनके द्वारा 2 दिन पहले एक बालक जिसकी उम्र 7 वर्ष है, उसका काकोरी थाना क्षेत्र से अपहरण हो गया था। का एक टीमें इसमें गठित की गई थी, CO मलियाबाद, SHO काकोरी के और जो सभी टीम्स हैं, इनके अथक प्रयास से कई CCTV फुटेज खंगाले गए। उसमें एक CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बालक के साथ दिखाई दिया। उस संदिग्ध व्यक्ति का जब तलाश की गई, उसका नाम पता ज्ञात किया गया, उसके बाद उसकी काफ़ी धरपकड़ की गई और उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि वह बालक को मृत समझकर एक झाड़ियों में फेंक आया है और वह उसको रिकवर करा सकता है। जब पुलिस टीम उसको लेकर मौके पर गई तो बच्चा वहाँ से बरामद हुआ। बच्चे की चोटें आई हुई थी और वो काफ़ी सदमे में था। पुलिस द्वारा तत्काल बच्चे को ट्रॉमा सेंटर लाया गया और उसको वहाँ भर्ती कराया गया, जहाँ वो इलाजरत है। फिलहाल डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है, लेकिन उसको अभी वहाँ निगरानी में रखा गया है। पुलिस टीम्स भी वहीं पर मौजूद हैं। वहीं जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ लगातार जारी है। इस संबंध में 2 दिन पहले ही थाना काकोरी में अंतर्गत IPC 363 एक अपहरण का मुकदमा लिखवाया गया था और जो अभी विवेचनाधीन है। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। यदि और अभियुक्त भी इसमें पाए जाते हैं, कोई संलिप्त पाया जाता है, तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल बच्चे को पाकर परिवार वालों जो हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। और वहीं जो टीम्स इसमें लगी हुई थी, उनको मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है।